भागलपुर में उत्तराखंड समेत राज्य के कई जिलों के कुख्यात अपराधियों ने शहर को अपना ठिकाना बना लिया है। इन अपराधियों ने मिलकर एक गैंग तैयार किया है, जिसके निशाने पर ना सिर्फ भागलपुर बल्कि पटना, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के स्वर्ण कारोबारी थे। इस गैंग ने टाइमलाइन के साथ स्वर्ण कारोबारी को लूटने की सूची भी तैयार की थी, लेकिन भागलपुर पुलिस ने इन अपराधियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। दरअसल यह सनसनीखेज खुलासा इसाचक पुलिस की गिरफ्त में आए देहरादून का मोस्ट वांटेड अभिषेक बोहरा ने किया है। पुलिस ने मंगलवार की देर शाम इसाचक पानी टैंकी के समीप राहगीरों से छिनतई के दौरान अपराधी अभिषेक बोहरा को गिरफ्तार किया था, जबकि अभिषेक के दो और साथी पुलिस को देखते ही भागने में सफल हो गया। जांच के दौरान बदमाश के पास से पुलिस ने एक तेज धारदार चाकू बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाश ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभिषेक की गिरफ्तारी से भागलपुर में स्वर्ण कारोबारियों से लूट की कई घटनाएं टल गई है। पकड़े गए अपराधी को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि इसके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि पुलिस काफी एक्टिव है और अपराधियों के किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वो लोग एक सप्ताह से ज्यादा समय से यहाँ पे 3-4 लोग रह रहे थे, और उसमें एक लड़का बक्सर का था और एक जगदीशपुर का था और एक कहीं एक साथ दरभंगा का था लग रहा, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो उसके बच्चे हैं साथी, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रयास कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रयास को विफल करने के लिए हमारी पुलिस है, और आप लोगों ने देखा है कि इस प्रयास को पूरी तरह से विफल किया गया, और पहली घटना कारित करते समय ही उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथियों की पहचान की गई और उनको भी गिरफ्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। मुहर्रम को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। शहर के तमाम इमामबाड़ों समेत कई धार्मिक स्थानों पर स्वयं जाकर एसएसपी ने जायजा लिया। मुहर्रम के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि शहर में 1000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और इसके लिए कई पदाधिकारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से भी जुलूसों पर नजर रखी जा रही है, जिससे गड़बड़ी करने वालों की पहचान की जा सके और किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई हरकत करता पाया गया तो उसे पकड़कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुहर्रम का जुलूस अपने तय समय अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग अखाड़ों से निकल रहा है, और यहाँ पे पैकर्स भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विभिन्न इमामबाड़ों में जाते हैं फूल लेकर, वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा समूह अपने समय अनुसार निकल रहा है। और पूरे भागलपुर में हम लोग 1000 के आसपास पुलिस बलों की तैनाती की गई है, और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, और QRT की 10 टीमें बनी हुई हैं जो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा CCTV का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे विभिन्न चौक चौराहों पर नज़र रख रहे हैं, और साथ में प्रत्येक जुलूस की हम लोग ड्रोन्स के माध्यम से उसकी निगरानी कर रहे हैं, और जो उनके रूट्स हैं उनकी भी निगरानी कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जितने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उसकी भी निगरानी ड्रोन्स के माध्यम से की जा रही है, ताकि कहीं भी कोई घटना घटित करने की प्लानिंग भी कर रहा हो तो वो भी ड्रोन्स के माध्यम से उसमें कैप्चर हो जाएगा और उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नवगछिया के गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को आशा कार्यकर्ता और फैसिलेटरों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में जमकर हंगामा हुआ। आशा कार्यकर्ता आशा वर्मा ने चिकित्सा प्रभारी सुधांशु कुमार पर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सुधांशु के द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही कार्यकर्ताओं को धमकी भी दिया जा रहा है।
आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर सुधांशु कुमार ने पीएचसी के निचले तल में बने बाथरूम में ताला जड़ दिया है, जिसके कारण धरना पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं हंगामे के बाद डॉक्टर ने मामले की सूचना गोपालपुर पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आशा कर्मियों को हंगामा नहीं करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उसके बाद हम लोग को संघ से कहा गया था जो तीन दिन तीन रात सत्याग्रह अनशन एकदम धरना देना है, सत्याग्रह धरना देना है। तो हम लोग परसों से ही यहाँ पर हैं, रात में भी सब आशा थी, यहीं पर खाना बन रहा है, यहीं पर हम लोग खा रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। दिन में कोई ड्यूटी करती है, कोई आशा रात में आती है, कोई दिन में आती है, कोई सुबह आती है, अपना मिला जुला के सब आशा के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है आज सुबह डब्बा उठना था, आज इस महीना का अंतिम टीकाकरण है, चार पाँचों जगह आज टीकाकरण होगा। हम बोले जो आज किसी भी शर्त पर डब्बा नहीं उठने देंगे। प्रभारी सर एकदम तन गए, बहस करने लगे, कल जो है आवेदन थाना में दे दिए हैं, हम लोग भी दिए लेकिन सरो दिए हैं। वहां से प्रशासन आई, हम उनको समझा दिए जो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कोई तरह का बात नहीं, पर सब रोज हो रहा है। डेली अगर आशा चाह लेती तो पर सब नहीं होने देती, लेकिन आशा ऐसा नहीं चाहेगी। इमरजेंसी सेवा है, एक औरत औरत का दर्द समझती है, इसलिए पर सब यहाँ रोज चार गो पाँच गो सात गो पर सब हो रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के चौथे सोमवारी पर जल चढ़ाने को लेकर शुक्रवार को बिहार झारखंड यूपी बंगाल नेपाल और छत्तीसगढ़ के हजारों कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर संकल्प के साथ अजगैबीनाथ धाम से पैदल और वाहन से देवगढ़ बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा सुल्तानगंज और कांवरिया पथ बोलबम के नारों से गूंजता रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के कांवरिया ने बताया कि 8 वर्षों से अजगैबीनाथ धाम से पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं और भोलेनाथ उन सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गंगा घाट की व्यवस्था को लेकर कांवरियों ने कहा कि कांवरियों और भक्तों की सुविधा के लिए मोदी सरकार के पहल पर नमामि गंगे घाट बनाई गई है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है। बता दें कि गंगा घाट में बैरिकेडिंग टूटने की खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा आनन फानन में बैरिकेडिंग को दुरुस्त करने का काम जारी हुआ है। हम लोग कोलकाता के हावड़ा शहर से हैं, हावड़ा से आए हैं, हावड़ा से हम लोग देवघर पैदल ही लेकर के जाएंगे। के जो ये मूर्ति है इनको लेकर हम लोग पैदल ही जाएंगे। अगले साल भी हम लोग आए थे 2019 में, जिस समय भी हम लोग मूर्ति लेकर के आए थे, लेकिन थोड़ा कुछ अलग डिजाइन का था, लेकिन इस बार इससे भी थोड़ा हटकर बनाया हुआ है। इस बार क्या बनाए हैं आप लोग? ये वाले साधन करते हुए शिव जी हैं, जो साधना में है, वही वाला इस बार हम लोगों का थीम था, वही हम लोग बनाए। गंगा का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जिस हिसाब से बाढ़ नियंत्रण के द्वारा जो है बैरिकेडिंग की गई थी, गंगा का जल स्तर बढ़ने से वो बैरिकेडिंग अब पुनः और आगे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, पाया गया कि बैरिकेडिंग भी पानी में चला गया है और साथ ही बहुत जगह टूटने की भी शिकायत और मैंने स्वयं देखा वो मिली। जियो बैग भी देखेंगे, जियो बैग भी जी, जियो बैग तो सारा पानी में ही समाहित हो चुका, चूँकि जल स्तर तो प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उसके लिए बाढ़ नियंत्रण को जो है मेरे द्वारा निर्देश दिया गया दूरभाष के माध्यम से, और चूँकि पदाधिकारी जिला प्रशासन के द्वारा भी बैरिकेडिंग को पुनः जो है आगे लाने की लगाए जाने की बात कही जा रही है।